निष्क्रियारोपित कर लिया गया है। संसार एक क्वचित क्रियारोपण सच न निष्क्रिया, संसार कहीं भी कुछ भी आप देखोगे वह तो सक्रिय होगा, निष्क्रिय नहीं हो सकता। वह क्या किया गया, निष्क्रिय आत्मनी वस्तु तो संभवती, वास्तव में जो है निष्क्रिय आत्मा में नहीं संभवती अनुभव कर देना। संसार जो कहीं भी कुछ भी देखोगे संसार क्या है, क्रियारूप है, और निष्क्रिय आत्मा में इसकी कल्पना भी वास्तव में संभव नहीं है, संबंध ही नहीं हो सकता। कैसे मान लोगे आप, क्वचित कारक रूप तच सद्वयस्य अद्वै विरोधा, और जो कारक रूप है वो सद्वैत है, वो द्वैत सहित है, वो अद्वैत संभव नहीं है। क्वचित फलात्मक और कुछ तो फलात्मक है, टिप्पणी बोल रहा हूँ, फल से जो कार्य रूप सिद्ध है और फल क्या है, कार्य रूप सिद्ध है, अतएव सिद्धे वस्तु नहीं वस्तुत्व विरोधात सिद्ध वस्तु में वस्तुत्व संभव नहीं है, इस अध्यारूप ये वसति संसार, इसलिए कहा गया क्रिया कारक फलात्मक। क्रिया भी वो संसार क्रियात्मक है, वो अक्रियात्मक में नहीं हो सकता। संसार जो कारकात्मक है वो जो है सिद्ध स्वरूप में नहीं हो सकता, क्योंकि असिद्ध वस्तु को ही कारकों से सिद्ध किया जा सकता है। असिद्ध है संसार और सिद्ध संसार सिद्ध ब्रह्म में अन्वय नहीं हो सकता, और फल रूपा जो संसार होता है वो कार्यात्मक है और अकार्य रूप ब्रह्म के अंदर असंभव है, इसलिए आपको आरोपित ही मानना पड़ेगा। वो कौन आरोप करेगा फिर, अविद्यैव कह दिया। आत्म रूपत्वेन माने आत्म तादात्म्येन, आत्मा के साथ तादात्म्य रूप से संयोग रूपेण आरोप नहीं है, यहाँ तादात्म्य रूप आरोप है। यहाँ अविद्यैव मूर्ता मूर्त वासनात्मको, और कैसा है वो आरोप, कहते मूर्ता मूर्त वासनात्मको। मूर्त माने स्थूल और अमूर्त माने सूक्ष्म, तद संस्कार आत्मक नहीं यहाँ पर सब आरोपित है। अतो विलक्षण हो तार संसार से मुक्त, संसार से ये ब्रह्म कैसा है, विलक्षण है, अनात्म रूप कर्मात्मको, अनाम रूप कर्मात्मक, अनाम रूप कर्मात्मक, नाम रूप कर्मात्मक नहीं है शुद्ध ब्रह्म। अद्वय वो अद्वैत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भी क्रियाकार फल भेदादि विपर्येण अवभासते, नित्य है वो, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला होने के बावजूद क्रियाकार फल भेदादि के द्वारा विपर्येण अवभासते, अनित्य अशुद्ध अबुद्ध अमुक्त रूपेण, विपर्येण माने अनित्य अशुद्ध अमुक्त भाव से ही आपको अनुभव में आता है, भाषित होते रहता है। क्यों, अविद्या से आरोपित होने के कारण से। तो इसलिए अब करना क्या है, इस आरोप को दूर करने के लिए सारी व्यवस्था, अध्यारोप हो गया है उसका अपवाद करना, इसे नेति नेति की ओर ले जाना, पूरे बिरदाने का काम यही है। अध्यारोप जो हो रखा है उसका अपवाद करने हैं, और अध्यारोप कैसे हुआ वो भी इन प्रकार से समझाएंगे, और उसी का अपवाद प्रक्रिया भी अध्यारोपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते का विस्तार से विवेचन किया जा रहा है। अतो अस्मान क्रियाकार फल भेद स्वरूपा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अस्मात क्रियाकार फल भेद स्वरूपा। अतः मैं यहाँ तात्पर्य संसारस्य अध्यस्तत्व संभवात, संसार अध्यस्तत्व की अध्यस्त ही है ऐसा निश्चय करना संभव होने के कारण अस्मात संसारात क्रियाकार फल भेद स्वरूपा, क्रिया कारक और फल भेद स्वरूप वाला इस संसार से हितावत इदम इति, बस निश्चय वही करना है, बस ये संसार इतनी ही है भाई, ये इदम ही रहेगा, ये कभी अहम नहीं हो सकता, ये कभी तत् नहीं हो सकता। त्वम तो तत् हो सकता है लेकिन इदम कभी तत् नहीं हो सकता, एतन इदम एव स्यात् न कदापि तद अहम वा भवितुम् अर्हति, ये कभी भी अहम नहीं हो सकता, और यह भी कभी मेरा शुद्ध स्वरूप जो तद रूप है वह भी नहीं हो सकता। एतावद एव इदम इति साध्य साध रूपात विरक्त, ऐसा निश्चय करके साध्य साधन रूप इस जगत से संसार से जो विरक्त होता है पुरुष, उसके प्रति ही उपनिषद आरभित है, ब्रह्म विद्या आरभित कर देना, विरक्तस्य ब्रह्म विद्या आरभित है, उसके प्रति ब्रह्म विद्या का आरभ।
सारा समय जोड़ दिया ना अभी। कामादि दोष करो बीज भूत विद्या निवृत्ते, ऐसे विरक्त के लिए प्रविद्या आरंभ करने क्या जरूरत है, विरक्त तो ही है तो कोई मतलब नहीं रहेगा। कहते नहीं नहीं, कामादि दोष से जन जो कर्म का बीज है उस बीज कौन है अविद्या, उसकी निवृत्ति के बिना आप जितना भी विरक्त होते रहिएगा वो वैराग्य प्रजय पर जरूर है, लेकिन कभी न कभी वो विरक्ति भी गड़बड़ा जाएगा। क्यों? वो बीज है ना अंदर में, अविद्या है, जब तक अविद्या है तब तक आपसे कुछ ना कुछ करा के रहेगा, वो कभी न कहीं वो मौका ले लेगा, छोड़ता नहीं है। परम परम विरक्त लोग भी अति विरक्त महाविरक्त जितने भी है, जो अपने आप को जो विरक्त सम्राट लिखते हैं और क्या लिखते हैं, शिरोमणि क्या लिखते हैं, विरक्त शिरोमणि, ये लिखने वाले भी फंस गए माया में, राजनीति में फंस गया, कोई किसमें फंस गया, कोई किसमें फंस गया, तो राम के नाम के ही सही विषय पर से जुट गया, वृक्ष शिरोमणि बनकर पहुंच गया वहां लड़ाई करने के लिए मैदान में। कहां विरक्त हो भाई, कहां से कहां पहुंच गए, द्रोणाचार्य जिस युद्ध भूमि में पहुंच गए ब्राह्मण तो भूल कर गए, नमक हरामी पर का डर लग गया उनको भी, और कहां से कहा विवेक वैराग्य सब छूट गया, लड़ाई का भूमि पहुंच गए, वही हाल हो जाता है। इसीलिए चाहे संसार से जितना भी विरक्त हैं, अविद्या की निवृत्ति कर लेना आवश्यक है। विवेक और वैराग्य संपन्न व्यक्ति के लिए कामादि दोष का कारणीभूत कर्मात्व कर्मों का जो बीज रूपा अविद्या है उसकी निवृत्ति के लिए जैसे रज्ज्वा में सर्व विज्ञान अपनाया, रज्जु में हो गई जो सर्व विज्ञान हुई, किस कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, छोड़ो तेरा उसका अपनयन करने के लिए उस कारण को दूर करना पड़ेगा। सर्वज्ञान तब अपनयन होगा जब मंद अंधकार रूपी दोष को दूर करोगे, प्रकाश से ही होगा, अंधकार दूर जैसे वो प्रकाश से सर्प विज्ञान खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ब्रह्म को जैसे प्रकाशित कर लोगे संसार के कारण विद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्व ज्ञान का अपनयन करने के लिए जिस प्रकार से होता उसी प्रकार से विद्या की निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म विद्या आरभ्यते। ओम पूर्णमद समझा दिए थे कि ब्रह्म विद्या को आरंभ किया गया है, सरल जो अज्ञान निर्विद्या विज्ञान को निवारण करने के लिए ही ब्रह्म विद्या आरंभ किया गया, मुख्य तात्पर्य बता दिया, और अब गौण तात्पर्य बताने जा रहे। तदर्थावद अश्वमेध विज्ञानाय उषावाश्वस इत्यादि आरभ्य थे, तत्र मैंने एवं उपनिषद आरंभ स्थित है, यदि विद्या आरंभ करनी चाहिए था ब्रह्म विद्या आरंभ किया है बोल दिए थे, फिर भी प्राथमिक ब्राह्मण और अवांतरम तात्पर्य, प्रथम जो अध्याय की जो प्रथम दो ब्राह्मण है इन दो ब्राह्मणों का अवांतर तात्पर्य बता रहे हैं कि क्या है, अश्वमेध विज्ञान। अश्वमेध विज्ञान का मतलब अश्वमेध उपासना, उसमें भी इन दो में से पहले के द्वारा अश्व विषय को उपासना और ग्रह पात्र विषय को उपासना बताएंगे, अश्व और ग्रह दो की जो है उपासना, और दूसरे ब्राह्मण में अग्नि विषय को उपासना, और तीनों मिलकर ही वास्तव में एक संपूर्ण अश्वमेध उपासना हो गया, अश्व ग्रह और अग्नि तीनों मिलकर के अश्वमेध उपासना होता है, वही उपासना को आरंभ कर रहे हैं उषा व अश्वसी इत्यादि। तत्र अश्व विषय में व दर्शन उच्चते, सबसे पहले उन तीन में से भी दो ब्राह्मणों में प्रोक्त तीन प्रकार के उपासनाओं में से जो कि कुल मिलकर के तीनों मिलके यद्यपि एक है, वह उसमें अश्व विषय को उपासना जो है कथन करने जा रहे, दर्शन उच्चते। क्यों पहले इसको लिया, कहते प्राधान्यात अश्वस्य, क्योंकि जो अश्व ही प्रधान है, प्राधान्य कैसे आ गया इस अश्व में, प्राधान्य तन्नामांकित कृत हो प्राजापत्यत्व, अच्छा दो हेतु है, क्योंकि जियाप का नाम ही अश्व शब्द से आरंभ हुआ है इसलिए अश्व प्रधान हो गया, और जिसके नाम को लेकर जो चीज हो जाता है उसको प्रधान मानना ही पड़ेगा ना,
नहीं तो अश्वमेध क्यों नाम रखते, कोई और नाम रख देते, है ना। तो अश्वमेध इसे नाम रखा गया क्योंकि इसमें अश्व प्रधान है। और दूसरा यह अश्व प्रजापति स्वरूप वाला है, इस अश्व में हम प्रजापति का रूप धारण करेंगे। और वहां भी प्रजापति कौन है, वो स्वयं ही है। इसी शरीर को अश्व मानना है, अपना शरीर को अश्व मानना और इसमें प्रजापतित्व की दृष्टि करना है, यही उपासना है। जो बाह्य लोक है, इस बाह्य समस्त लोक को अपने अंदर विभिन्न चीजों को विभिन्न रूपेण दृष्टि करना, अपने आप को घोड़ा मान करके, अश्व मान करके। जैसे पत्थर है और उस पत्थर में आपने विष्णुत्व की आरोप कर लेते, इसी प्रकार वह पाषाणमय मूर्ति में विष्णुत्व आरोप के समान है नहीं, ये शरीर में अश्व में हमें क्या करना है, प्रजापतित्व का आरोप करना है। इसलिए प्रजापति की सादृश्यता होने के कारण से भी अब प्रधान हो गया कि संसार में सबसे पहला कौन है, प्रजापति, वही प्रधान है, वही प्रथमज है, वही आदि पुरुष है, इत्यादि अनेक शब्दों से कहा जाता है। अतएव वह प्रधान है और उस प्रधान की दृष्टि करने के कारण से इस अश्व को भी हमने प्रधान कहा दिया। जैसे विष्णु की दृष्टि जिस प्रतिमा में करो क्या कहोगे, ए विष्णु की प्रतिमा नहीं कहोगे, ए विष्णु भगवान है, सीधा बोलते हो, शंकर भगवान है। क्यों, अब ये नहीं कहते शंकर भगवान की मूर्ति है, ये तब तक है जब तक आप उसमें पूर्ण रूपेण आरोप नहीं कर देते हैं, जिसको आप प्राण प्रतिष्ठा कहते हो। उसी प्रकार यहाँ पर अश्वरूपा शरीर में, इस अश्व में पाषाण में मूर्ति में जैसा होता है, वैसे शरीर में एक ये अश्व मान करके, जैसे यज्ञ अश्व, क्योंकि कर्माधिकारी के लिए नहीं, ना कर्माधिकारी भी इसको कर सकता है और अकर्माधिकारी भी कर सकता है। कर्माधिकारी के लिए तो कर्म में घोड़ा खड़ा है, उस घोड़े में वो दर्शन कर देगा, उसी घोड़े में वो घोड़ा खड़ा रहता है, सामने जो सोने का बर्तन पीछे चांदी का बर्तन वगैरह रहता है उसको ग्रह पात्र बोलते हैं, उनमें सारा दृष्टि कर सकता है। और जो यज्ञाधिकारी नहीं है, कर्माधिकारी नहीं है, वो क्या करेगा, इस शरीर रूपी घोड़ा है यहाँ बैठ गया, सामने एक पात्र मानेगा, पीछे एक पात्र मान के चलेगा और उसके अंदर सारा दृष्टि करेगा। इसलिए शरीर में जो अश्व, उसमें प्रजापतित्व का दृष्टि करने कारण से भी यह प्रधान हो गया। इसलिए प्राधान्यता का दो हेतु है, तन नामांकित कृत हो, इस कृतु को इसी नाम से अंकित किया है इसलिए, और प्राजापतित्व। अच्छा, तो मंत्र आरंभ होता है उपासना का, ओम उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर वात प्राण व्याप्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठम् अंतरिक्षम् उदरम् पृथ्वी पाजस्यम् दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः पार्श्वः ऋतौ अंगानि मासाश्चर्दमासाश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मामागंसानि उवद्यगंसिगताः सिन्धवो गुदा यकृच्चक्लोमानश्च पर्वता ओषयश्च वनस्पतिश्च लोमानि उद्यन्पूर्वार्ध निम्लोचं जगनार्ध यद्विजृम्भते तद्विद्योदते यद्विधूनुते तस्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवस्यवाक। उषावाश्वस्य मेध्यस्य शिरः, यह मेध्य यज्ञ के योग्य, यह जो अश्व है, इस अश्व का सिर में क्या दृष्टि करना है, उषाकाल की दृष्टि करनी है। उषाकाल माने सूर्योदय से पूर्वकालीन एक घड़ी को उषाकाल कहते। श्लोक नीचे दिया, रात्रे पश्चिमायाम अस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः स ब्राह्मणेति विज्ञेयः
विहित सप्रबोधने। रात्रि पश्चिमायाम, रात्रि का भी पश्चिम ने उत्तरार्ध लेना, रात्रि का भी दो अर्ध है, एक पूर्वार्ध है एक उत्तरार्ध है। रात्रि का पूर्वार्ध क्या है, जो इस सूर्यास्त से लेकर के उत्तरी सूर्योदय तक वो पूरा रात्रि हो गया। इस सूर्यास्त से आरंभ करके अगले दिन का सूर्योदय को क्या कहोगे, तक के समय को रात्रि है ना। उस रात्रि में से बीच दो भाग कर, कुल कहीं 10 घंटे होता है, कभी 11 घंटा होता है, कभी 10.5 घंटा होता है, कभी 12 घंटे होते हैं, कभी 13 घंटा भी हो जाता है, बढ़ता बढ़ता है ना ये रात्रि का समय, जितना भी है उसको दो भाग कर देगा। 10 घंटा है तो 5 घंटा पूर्वार्ध हो गया, 5 घंटा उत्तरार्ध हो गया। वो जो पश्चिम उत्तरार्ध है अस्य मुहूर्तो ये तृतीय कह, उसमें जो तृतीय कह मुहूर्त जो तीसरा जो उसको भी मुहूर्त में बांटो, पहले प्रहार में बटा, 3 प्रहार हो गया, प्रत्येक प्रहार में 2 मुहूर्त हो गया, प्रत्येक प्रहार में 2 मुहूर्त हो गया, और उस दो मुहूर्त में से जो सूर्योदय की अपेक्षा से तृतीय का तीसरा है वहां से उषा करा है सब ब्राह्म इति, उसी को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते लोग। वो वही हमारे सब प्रबोधनी भी कारण, उषा काल ही हम लोगों का जगने के प्रति भी कारण है। जब तक उषा काल महसूस नहीं होता, प्रजा के अंदर महसूस होता नहीं, अतः लोग जल्दी जगते नहीं। अब प्रजा के भीतर रहोगे तो उषा काल का कैसे भान होगा, भक्तरबंद गाड़ी में है जो रह गया, अब हम कहां से गिरेगा उसके ऊपर, नहीं गिरेगा ना। तो उसी प्रकार यदि हम यहाँ रजा केंद्र में तो उषा काल का अनुभव ही नहीं होगा, इसे बस आलस होकर के 8 बजे जग रहे हैं। और जो खुले में जस होता है ढंग से प्रकाश के जास, उषा काल का अनुभव हो सके, उसको महसूस हो सके, तो वो व्यक्ति अपने आप जो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएगा, उसको उषा काल का, तो उस काल का दृष्टि उस यज्ञ जो अश्व के सिर में करना है। और यहाँ जो है यज्ञ शुकाने शरीर, इस शरीर में भी सिर का भाग है, इसी में क्या करना है, हमें उषा काल की दृष्टि करना है। सूर्य चक्ष हो, उस विराट पुरुष का चक्षुकोण है सूर्य है, वह सूर्य को उस अश्व के चक्षु में दृष्टि करना है, और अनधिकारी है वह अपने चक्षु के अंदर सूर्य का दृष्टि करेगा। इधर तीनों तरफ लेना, पहले प्रजापति में घटाओ बाह्य में, उषा काल आप जानते हैं बाहर तो होता ही है, और उसी को उस घोड़े का सिर में, और उसी को अपने सिर में, इधर से बाह्य हो गया अधिदेव में और अधिभूत में अध्यात्म में जो हो वो अलग रहेगा ना, वो बाहर वाला वस्तु सूर्य है, और उसी को घोड़े के आंख में, उसी को अपने आंख में देखना है। और वात प्राण, बाहर वायु है, वही क्या है, उस अश्व का प्राण है, वही शरीर के अंदर भी प्राण है। व्याप्तम अग्निर्वैश्वानर, ये जो व्याप्त है खुला हुआ मुख है, वही क्या है, अग्नि है, कौन सा, वैश्वानर अग्नि है, जो लोक में लकड़ी आदि के जाल से प्रसिद्ध वैश्वानर अग्नि होता है, वही वैश्वानर अग्नि घोड़े का खुला मुंह है, वही हम लोगों के भी खुला मुंह है। अर्थात अपने खुले हुए मुंह में क्या करना है, वैश्वर अग्नि की दृष्टि करनी है। संवत्सर आत्मा, और संवत्सर ही क्या है, आत्मा है, अश्व का धड़ भाग है, आत्मा कैसे क्या लेना, धड़, क्या अंगों का विचार चल रहा है, सर आंग मुंह आ गया ना, हमारे धड़ भाग को, ये आत्मा से उच्ची आत्मा नहीं लेना, आत्मा से जो बीच का शरीर है, इस शरीर को धड़ कहते हैं, इस भाग को करें आत्मा, उसे क्या दृष्टि करना, किसकी शरीर में, अश्वस्य मेध्यस्य आत्मा संवत्सर, ये यज्ञ है जो अश्व का जो धड़ भाग में, किसकी दृष्टि करनी है, संवत्सर भी काल का दृष्टि करना है, काल पुरुष की दृष्टि करो, एक कह दिया। यद्यपि प्रत्येक के साथ अश्वस्य मेध्यस्य को जोड़ना है, इसे जानकर दोबारा कहा गया है, अश्वस्य मेध्यस्य श्रह उषा, अश्वत्थ में सिंह, सूर्य चक्षु,
अश्वसिमेध्यस्य वात प्राणो प्रत्यय के साथ जोड़ना चाहिए, इस बात को ज्ञापन करने के लिए ही दोबारा प्रयोग हुआ है। द्यौः पृष्ठम् ऊंचाई में समानता के कारण से क्या है यहाँ पर द्युलोक का दृष्टि पृष्ठ में करना, द्युलोक उस अश्व का पीठ के समान पीठ है, अतः अश्व का पीठ में द्युलोक की दृष्टि है और अपना पीठ में भी द्युलोक की दृष्टि करना है। और अंतरिक्षम उदरम, और ये उदर है खाली होता है यहाँ, इसलिए इसको क्या कहेंगे अंतरिक्ष का दृष्टि करो, घोड़े का पेट में भी अंतरिक्ष का दृष्टि। अंतरिक्षम उदरम पृथ्वी पाजस्यम, और पृथ्वी की दृष्टि कहाँ करनी है तो पाजस्यम, पाजस्यम ने पैर रखने का स्थान, पैर नहीं पैर रखने का स्थान, जहां जमीन पर पैर पड़ा हुआ यूं बैठा हुआ है। इस सारे ब्रह्मांड की जो आश्रय कौन है, ये पृथ्वी लोग है, कि ये पृथ्वी नहीं है तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं है सब लोग उच्छेद हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी क्या है सबका आश्रय है। जैसे आपके पैर का आश्रय भी पृथ्वी होती है, इसलिए पैर का आश्रय स्थान में पृथ्वी की दृष्टि करना है। दिशा पार्श्व दाया बाएं बगल क्या है कहते सब दिशाओं की दृष्टि इसमें करना। अवान्तर पार्श्व, और अवान्तर दिशाएं जो अवान्तर दिशाएं सब पार्श्व भाग की जो अस्थियां हैं, ये जो हड्डियां हैं पसली बोलते हैं ना इसको, ये हड्डी पसली बोला जाता है, इसीलिए इनमें क्या करना अवान्तर दिशाओं की दृष्टि करना है। हृदयो अंगानी, और ये जो ऋतुएं हैं इनको क्या करना, संवत्सर के अवैध होने के कारण से ऋतुओं को अंग में जोड़ लेना, अन्य जो छोटे मोटे अंग होते हैं शरीर के अंदर धड़ भाग में उन सब अंगों में ऋतुओं की दृष्टि करना है। मास और अर्धमास इन दोनों का दृष्टि कहाँ करना है, परवाणी माने संधियों में, जो प्रत्येक जोड़ है उन जोड़ों की जो संधि होती है उस संधि स्थान को कहते हैं, वहां पर क्या करना है मास अर्धमास आदि काल की दृष्टि करना है। और काल का और भी अवयव कहाँ जाओ, अहोरात्रों को प्रतिष्ठा, अहोरात्राणी दिन और रात्रि को पैर में दृष्टि करना, भाया पैर प्रतिष्ठा माने पैर, पैर में दृष्टि दिन और रात, इसके आधार पर ही ये काल रूपी शरीर चलता है, दिन रात्र के आधार पर ही काल वर्ष शरीर चलता है। और नक्षत्राणी अस्थीनी, और जो नक्षत्र है ये मुख्य हड्डियों में से ले लेना, शुक्लत्व के समानता को देखते हुए इन हड्डियों में क्या करना नक्षत्र की दृष्टि। नभोमा घंसानी, आकाश में स्थित नभ से यहाँ आकाश में जो बादल, उस बादल की दृष्टि क्या करना मांस, मांस भी ऐसे होता है गोल 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 सा होता है, मोटा मोटा सा होता है जैसे बादल ऊपर दिख रहे हैं, उसके सादृश्यता के कारण से मेघ का दृष्टि करनी है मांसों में। अर्धपक्व या अपक्व अन्न जो आपके पेट में है उसको क्या करना सिकताहा बालू का दृष्टि करना, पेट में आपने खाया पिया है और पेट में पूरा पका पचा नहीं है, अपक्व अन्न है या अर्धपक्व अन्न है उसको कहते हैं क्या उवध्यम, उदरस्थ जो अपक्वन उसमें क्या दृष्टि करनी है सिकता बालुका की दृष्टि करना, बालू सारे संसार में जो रेत जिससे निर्माण होता है ना, मकान कैसे निर्माण करें मिट्टी से थोड़े करेंगे, रेत से मुख्य रेत मुख्य साधन होता है अनेकों कार्यों में, कांच की चीज भी सब रेतों से ही बनता है ना, इसलिए रेत प्रधान है, उस रेत को कह दिया कहा करना सिकता को उवध्यम अपक्वन में कर देना, चलो बिल्कुल महीन चूर्ण भी नहीं है ना अपक्वन, इसलिए करे हम पक जाए तो क्या हो जाएगा तो हलवा जैसा हो जाता है बिल्कुल महंग हो जाता है वो नहीं, इसलिए अपक्वन में ही रेत की दृष्टि से रेत मोटी होती है इसलिए उसकी दृष्टि उसमें ठीक बनता है। सिंधवो गुदा, और ये जो नदियां हैं ये सब नाड़ियों में दृष्टि करना, गुदा से लक्षित है गुदाह बहुवचन है इसे नाड़ियां, नाड़ियों में नदियों की दृष्टि, सिंधु ने नदियों की दृष्टि है, सिंधु से समुद्र नहीं लेना आगे समुद्र अलग बोल रही है इसलिए यहाँ नदियों को लेना है। यकृत क्लोमान पर्वता, और ये जो यकृत और क्लोम है लिवर और स्प्लीन, आपके अंदर यकृत होता है और हिंदी में प्लीहा कहते हैं, यकृत और प्लीहा अथवा अंग्रेजी में लिवर और स्प्लीन, ये दोनों चीजों में क्या दृष्टि करनी है पर्वतों की दृष्टि करनी है।
ओषधयश्च वनस्पतिश्च लोमानि। अरे जो शरीर भर के अंदर इधर उधर विभिन्न प्रकार के लोम है, बाल उत्पन्न हुए, इनमें क्या करना, औषधि और वनस्पतियों की दृष्टि जो बाह्य जगत में आप देख रहे हो, बाह्य जगत प्रजापति के शरीर में ये सब लोम वगैरह बाल के समान बाल है, वही घोड़े का बाल में भी, इसलिए वही दृष्टि करना, अपने शरीर का बाल में भी, इसलिए पेड़ पौधे का दृष्टि करना चाहिए। उद्यन उगता हुआ जो, वो क्या है, वो उगता हुआ सूर्य नाभि के ऊपर का भाग में दृष्टि करना, पूर्वार्ध नाभि के से ऊपर के भाग में उगता सूर्य का दृष्टि करना, और नाभि के निचले भाग में मध्यान काल से नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य निम्लोचन जगनार्ध, मैं सूर्य यहाँ बीच 12 बजे से, मैंने वो सूर्योदय से 12 बजे तक, 12 बजे से सूर्यास्त, ये हो गया पूर्वार्ध, हो गया पश्चिमार्ध। पूर्वार्ध की दृष्टि नाभि से ऊपर में, और उत्तरार्ध के उधर जो का सूर्यास्त की ओर जाने जो दृष्टि है वो जाना है, अस्ताचल की दृष्टि करनी है अधो भाग में, ये कह दिया। विद्योत निम्लोचन जगनार्थ यद विजृंभते तद विद्योतते, अनर्दय मेघ का गर्जन के समान जो है वो जंभई लेता है और पूरे शरीर को कंपाता है, सिर्फ जंभई नहीं, यहाँ पर शरीर को कंपा करके हिलाता है, राज्यों से हिला, बालों को भी झाड़ देता है उसी से, वो क्या है बा के समान है कंपना। गर्जन क्या होता है, अभी शरीर की कंपना, गर्जन अलग लेंगे, हिंदी नाम अलग ले रहे हैं आगे, तो इसते हैं कि भाई विजृंभते हिन हिना लेन रेशा, नीचे दिया 3 नंबर टिप्पण, ये विजृंभते को हिन हिनाना है, जंभाई अलग चीज होती है, वो घोड़ा क्या करता है जोर से हिलता है, आवाज करता है, जोर से हिलता है, पूरा शरीर को हिला देता है, उसको कहते हिन हिनाना, हिंदी में स्पेशल हिसिंग साउंड क्रिएट करता है, उसके साथ पर शरीर को कंपा देता है। उसी प्रकार से गर्जन भी ऐसा है सबके हृदय को कंपाने वाला, से छोटे बच्चे से क्या डर के हमारे अंदर घुस जाते, जोर से जब बादल गरजे सब अंदर घुस जाएंगे, पशु तक भी घबरा जाते, सब अंदर कोई बम फूट गया, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कंपाने के सदृश होने के नाते चीज गर्जना उनका दृष्टि उस कंपन में करना है, शरीर कंपन में गर्जन का दृष्टि करना, यद विधूत स्तनयति, और यद विधूत शरीर का जो विधूनन है कंपन के साथ जो गिराना है एक का गर्जन के समान हो गया, और उसका पहले जंभई को चमक आवाज करना, वो विद्युत दे बिजली का चमकने के साथ, विजृंभते का अर्थ क्या उसका जो है वो बिजली की चमकने के समान लेना, और उसका कंपने को जो चीज होती है उसका मेघ गर्जन के साथ जोड़ देना, और यानी मेहती और जो उसका जो गिरना है वर्षा होना है वो चीज उसका पेशाब करने के साथ जोड़ देना, वह आशु जो मुंह या वर्षा है, इसलिए वर्षा की दृष्टि मूत्र में करना है, लोग करते हैं उसमें वर्षा की दृष्टि करना है, अपना उसमें मेघ के गर्जन का दृष्टि करना है, अपना भी जो जंभाई एक आवाज विशेष को लेकर हम लोग छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं वायु विशेष को, उसमें क्या करना आप बिजली की चमकने का दृष्टि करना है, ये तीन अलग अलग चीजें वागे वस्य वाक, और जो वाणी है अश्व का वही इसके अंदर भी वाणी है, वाणी ही उस अश्व की वाणी है। भाष्यकार उषाइति ब्राह्मो मुहूर्त उषाह, ब्राह्म मुहूर्त का नाम उषा है, वही शब्द स्मरणार्थ, वही शब्द स्मृति कराने वाला, स्मरण करा रहा है किसी भी बात विशेष को, क्या चीज को स्मरण करा रहा है, प्रसिद्धम कालम स्मारय थी, अरे दुनिया में उषा काल उसी को स्मरण करा रहा है, वह श्रह वो शिर में दृष्टि करना क्यों प्राधान्य, शिरस्य प्रधानम शरीर अवयवानम सर्वेषां में न्याय, इसलिए जय समस्त अंगों में इस शरीर के सकल अवयवों के प्रति जो सिर ही प्रधान है, मेध्यस्य माने मेधार्यस्य यज्ञस्य उषाः शिर इति संबंधः, यज्ञ जो अश्व का सिर में क्या दृष्टि करना है, उषा काल का दृष्टि करना इति संबंधः, और एक हेतु दे रहे हैं कर्मांग से पशु
संस्कृत विद्वान दृष्टि शिर आदिशु छिप्यंत स्पष्ट आ गया ना। भूत जो पशु है वैसे वो कार्य अश्वसिमेध्यस्य पशु है वह संस्कारियत्वाद वह संस्कृत व्यत्वाद उसको संस्कार कैसे करोगे। घोड़ा तो घोड़ा है उसको संस्कार कैसे कर? कहते यही है कालादि का दृष्टि के द्वारा उसको संस्कार जैसे आज आवेक्षण न्याय से कैसे करोगे। दही को संस्कारित करो कैसे करोगे धोगे उसको। अरे घी को धोगे तो बहुत सारा खत्म मामला। दही को धोगे दूध को धोगे तो कैसे धोगे उस चीज को धो नहीं सकते आप। दृष्टि करो देखा अब बस हो गया उसे चींटी पड़ा नहीं कुछ पड़ा नहीं है दे दिया संस्कार है। और विशेष भारतीयों में तो ये संस्कार दृढ़ इतना पक्का है पानी दे उसको क्या है पहले पानी को भी देखेगा पानी है क्या देख रहे हो। तो ये आचरण न्याय अनाधिकारी संस्कार कर्म वो आदत पड़ा हुआ है उसको अब इसलिए पहले उसको देखेगा फिर उसको थोड़ा गिराएगा तब पिएगा ये आदत है। नहीं वहां विशुद्धिकरण का नियम है ना वो घी को डालना पड़ता है हाँ वो वेदी को उत्तर भाग में अग्नि में नहीं उत्तर भाग में डालना अंतरवेदी में ही उत्तर भाग में डाल दिया जाता है। तो उसे राम लोग भी क्या करते अब कहीं नहीं मिलता क्या ग्लास जैसे पानी उसी में डालना पड़ता है क्या करेंगे वहां तो गिराने में बैठते थे जमीन है बगल में गिरा दिया देहात वगैरह में ऐसा हो जहां बैठे पीछे गिरा दिया थोड़ा सा और पीछे को उत्तर मान लिया व्यवहार चल पड़ा है। उसी प्रक्रिया में अब उसको करूं घोड़ा को कैसे शुद्ध करेंगे काट पीट के धो धा करके शुद्ध हो नहीं सकता ना किसी प्रकार से। इधर दृष्टि कर दो सब और दृष्टि जब करोगे उत्कृष्ट स्थिति करना चाहिए। जैसे कहते ना बढ़िया कपड़ा पहना होता राजा बन गया कैसे दिखता है राजा जैसे लगता है ना कपड़ा में इधर दरिद्र जैसे दिखता है अच्छे से में संस्कारित किया है तो वहां उत्कृष्ट दृष्टि के द्वारा ही है। निकृष्ट से किसी वस्तु को आप संस्कारित नहीं कर सकते। इसलिए घोड़े में इस प्रजापति के विभिन्न जो अवयव दृष्टि करने से वह घोड़ा पवित्र हो जाता है। जो घोड़ा है इस घोड़े को शरीर रूपी अपना शरीर रूपी घोड़े को भी पवित्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस प्रजापति की दृष्टि इसमें करना है। क्या कर्म है नहीं कर्म है तो घोड़ा नहीं घोड़ा कहां से मिलेगा। आप कर्माधिकारी नहीं है तो कर्मांगो घोड़ा जो है नहीं आपके पास अब कोई घोड़ा ला के करूंगा उपासना फल नहीं मिलेगा तब कहते आप और इसी में सब उपासना करो कहेंगे। देखिए श्रीशो क्षिप्यंत मैंने आरोप्यंत प्रजापति रूपत्वम प्रजापति प्रजापति दृष्टि अध्यारोपण प्रजापति तक क्या है पति की रूपता इसमें कैसे आ गई तो इसलिए आ गई क्योंकि प्रजापति हम इसमें आरोप कर रहे हैं। काल लोक देवता काल को देवता सूर्य आदि क्या है देवता है और लोक पहाड़ वगैरह भी सब बता रहे नदी फदी सब ले ले पहाड़ वगैरह ये सब क्या है लोक है तक के प्रजापति काल लोक प्रजापति है क्या विराट क्या है काल लोक देवात्मक ही है उसको आपने क्या कर दिया अश्व में बिठा प्रजापति का स्वरूप को आपने अश्व के साथ तादात्म्य कर गए इसलिए अश्व क्या हो गया प्रजापति हम प्रजापति ऐसे उपासना करना पड़ता बोलेंगे देखो यहाँ भी आएगा चल तो कहते शास्त्रीय लोके जो व्यवहार प्रसिद्ध ब्राह्मण को लेना यहाँ भी जिस लोग वही दिया ब्राह्मे मूर्ति बुद्धि तो धर्म आय क्लेशांश चतन मूलान वेदा तत्वार्थम एव च ब्राह्मणों को जो चिंतन करने वाला व्यक्ति धर्मार्थों अनुचिंत करनी चाहिए। काय क्लेशाश तन्मूलान के काय सब जिसके मूल से उत्पन्न होते हैं उसको जो अतत्वार्थ को तत्वार्थ ज्ञान के द्वारा ही समझनी चाहिए स्पष्ट बताया है। प्रजापतित्व कारण प्रजापतित्व कारणम पशु प्रजापतित्व को रूप आपने पशु का कर दिया एवं रूप ही प्रजापति ही पति होता है। जिस प्रकार विष्णुत्वादी करण जिस विष्णुत्वादी को आपने प्रतिमा आदि में कर दिया प्राण प्रतिष्ठा करके जो है आप उसको दर्भ का बना देते हैं कुशाओं के बना मंत्र के द्वारा उस प्राण को प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो पूरी उस मूर्ति को जब विभिन्न अंगों में उस मां जब कर देते हो आपका जब ये मूर्ति क्या है विष्णु हो गया मूर्ति का रखे पैर रख करके नहीं ठोक सकता
उसको अपवित्रता पूर्वक छूना भी नहीं चाहिए। क्यों? अब वो मूर्ति नहीं रह गया, वो पत्थर का मूर्ति अभी विष्णु हो गया, ये विष्णु है। उसी वृक्ष गो शिष्टुत्वाधिकरण निचेतर तथा च यथा प्रतिमायां टीका आनंदगिरी विष्णुत्वकरण तद दृष्टि विष्णुत्वकरण का मतलब तथा कालादि दृष्टि ही अश्वावय उसके प्रजातिकरण है। अश्वमेधाधिकारी ही सती अश्वत्वार्थम कालादि दृष्टि अश्वावय वेश कुरिया। तो अश्व रहता है, कर रहा है ना कर्मकांड, तो उसके अंग अंग रूप वो क्या करेगा उस कर्म का फल में और विरवत्तरता को बढ़ाने के लिए अवय में प्रजापति की स्थापना कर लेता है के नियम में और उत्कृष्ट फल प्रदान करता है। इसी को कह दिया वीरवत्तरत्वार्थम, मैंने अविघ्नेन शीघ्र विघ्न पूर्वक शीघ्र उत्कृष्ट फल प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ हो गया कर्म और बलवान हो जाता है। शरीरम तब कहते हैं क्या तद अनधिकारी तू है, या वैश्य है, या राजा नहीं है, ऐसा जो क्षत्रिय है। अब क्या करे, ये इनको कहां से मिलेगा कर्मांगभूता घोड़ा, नहीं मिल सकता। ऐसे लोग क्या करेंगे, अश्वाभावे स्वात्मानं अश्वंगलवित्वा अपने शरीर को ही घोड़ा मान लेना। स्वात्मानं ने शरीरम एव टिप्पण स्पष्ट है, स्व शरीरम अश्वं परिकल्पित्वा स्वशिर प्रवृतिषु अपना ही जो सिरादि हैं इनमें क्या करना, काला दृष्टि करणेन प्रजापतित्वं संपाद्य है? काला दृष्टि करना, उषा कालादि दृष्टि करके इसको प्रजापति तो संपादन करो और प्रजापति राम अस्मि ऐसे उपासना होगा, अंग्र उपासना है। प्रजापति राम अस्मि इति ज्ञानात् तद भावं प्रतिपद्येत, और वही भाव में स्थिर हो जाना है, हम ही प्रजापति हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरे से अभिन्न स्वरूप वाला है, ऐसे समस्त अंगों में ब्रह्मांड की स्थापना करके यथाविधि और अपने आप को ब्रह्मांड से अभिन्न स्वरूप विराट से अभिन्न रूप वाला होता हुआ अहमेव प्रजापति ऐसे उपासना करनी चाहिए। यही तरीका है, ये बता दिया टीका में और स्पष्ट बड़ा सुंदर ढंग से विष्णुत्वाधिकरण प्रतिमादौ इसके द्वारा समझाया। और आगे बढ़ते हैं, सूर्य चक्षु शिरस्व अनंतरतः, सिर के अनंतर कौन है, सबसे पहला आंक ही है, प्रमुख है वस्तु, इसलिए कह दिए सूर्य देवतत्व अच्छा, और सूर्य उसका अधि देवता भी है, चक्षुर सूर्य अभिजायता, इसलिए जो है सूर्य जो है चक्षु का अभिमानी देवता भी है। इस दृष्टिकोण से भी सिर के बाद में चक्षु को ही लेना चाहिए, अतएव सूर्य का दृष्टि चक्षु में करना। वात प्राणो वायु स्वभाव्या, इस शरीर के अंदर जो वात है उसी को प्राण दृष्टि प्राण करके कहा गया, वही वायु है, कि वायु स्वभाव्या, वायु कैसे स्वभाव है, प्राण रूपेण वो विभक्त होकर व्यवहार करता है, इसलिए वायु वायु का दृष्टि आपके अंदर के प्राण में करना। ये विराट वायु है, विराट शरीर के अंदर जो महावायु है उस घोड़े के अंदर का प्राण के समान, और अपने शरीर के अंदर के भी प्राण में उस वायु का दृष्टि करना है। व्यातम मन विवृतम मुखम अग्निर वैश्वानर, विवृत मुख में क्या दृष्टि करोगे, वैश्वानर अग्नि का दृष्टि करना, कि मुख कब खुलता है, कुछ खाने की जरूरत होती है, और दोबारा जब खुलता है, जब कई लोग सोते हैं तो खुले ही सोते हैं, है ना, मुंह खुला पड़ा रहता है और सोते रहते हैं, और तीसरे आगे जब खुलता है, जब मरता है, जब मरेगा तो खुल जाए, तीन ही बार खुलने का प्रसंग है। यदि जब आप कुछ खाना पीना कर दे, दंत मंजन पंजन मैंने इससे संबंध कोई कार्य करना चाह रहे हो, वही उसी समय आप मुंह खोलोगे, या तो बोलना भी व्यवहार तो इसी से ही हो रहा है ना, ये सब मुख संबंधी सारा व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया, इसके अंदर आ गया। और दूसरा जब सोते हो, कुछ लोग तमुगुण ये विचार कर देते, वो गलत है, वो एक रोग है, वास्तव नहीं होना चाहिए, वो रोग है। और तीसरा मृत्यु में होता है, इसलिए दो चीज स्वाभाविक है, एक तो अस्वाभाविक मृत्युकालीन जो मुख व्यान व्याप्तान है वो स्वाभाविक, और खाना पीना बोलना दंत मंजन आदि करना ये सब लौकिक व्यवहार के लिए जो खोलते हैं वो भी स्वाभाविक है, और सोते हुए जो खुला रह जाता है वो अस्वाभाविक, रोग बचा है, बीमारी है, उसकी भी इलाज है होम्योपैथी में आयुर्वेद में, सब में इलाज बताया गया, खर्राटे मार के सोने वालों की भी इलाज है, हाँ सब इलाज करनी भी चाहिए, नहीं करते बड़ा मुश्किल हो जाए।
भरन में सोएगा कैसे, हम लोग तो सो ही नहीं पाएंगे, जिसको थोड़ा सा आवाज तो जग जाए, वैसे आदमी तो सो ही नहीं सकता है। सेंसिटिव लोग जो होते हैं सो नहीं पाएंगे उसके साथ, खराटे मारेगा तो कैसे सोएगा, उसको दवा करानी पड़ेगी। कल एक आई थी देवी, वो कहते महाराज बड़ा मुश्किल हो गया है, पिछले 3 महीना से हम सोच रहे कब हम मायके आएंगे, कब हम मायके आएंगे, परेशान थे हमने। क्यों? तो इसीलिए कि हमारे पद्य के हम सो ही नहीं सकते, क्या हो गया, अरे इतना खराटे मारते हैं और नींद। अरे अच्छा चलो कोई बात नहीं, दवाई दे देते हैं उनको, तुम पिलाया करो, उसके बाद आराम से सोएंगे, खराटे नहीं मारेंगे। तब हमको 3 महीना से नींद नहीं, अब 3 दिन वो करे थी, यहाँ करे 4 दिन हो गया, आपसे मिलना चाहती, लेकिन 4 दिन में सोती ही रह गई, उठी खाई फिर सही, ये 3 महीने नींद ही नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल से झपकी लगी नहीं थी, खर हो जाता था वहां से टिकट खड़ा हो जाए, झपकी लगी नहीं फिर खड़ा हो जाए, बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, तो ऐसे मुसीबत आ जाते हैं संसार में, तो इसीलिए जो है ना वो मुख जो है ना वो आसमा फाड़ देते हैं सब चीज। और उसमें वैश्वान अग्नि का दृष्टि व्यात्मुख में करना, वैश्वान अग्नि विशेषण, वैश्वान ये जो शब्द है कोई अन्य दृष्टि करने की तत्व तो नहीं है, वो अग्नि का विशेषण है, जिसको भगवान ने कहा वैश्वान रो भूतवा पचाम नम चतुर्मित। वैश्वान रो नाम अग्नि विवृतम मुखम इत्यर्थ मुखस्य अग्नि दैवतत्ता। अरे वैश्वान है उसको विवृत मुख में क्यों करो, क्योंकि जो है मुख का देवता भी है, देवता वही बन रहा है, अतएव जो है इसमें वैश्वान अग्नि का दृष्टि करना उचित ही है। कौन सी दृष्टि किसमें क्यों करना, वो भी हेतु साथ साथ भाष्यकार संवत्सरात्मा, संवत्सर द्वादश मास कोई भी हो 12 या 13 वाला, वो क्या है आत्मा मनी शरीरम विधड़ भागे, क्यों पक्ष, पक्ष से हो गया मास, मास से हो गया ऋतु, ऋतुओं से हो गया संवत्सर पूर्ण रूप है, फिर उस संवत्सर की पुनरावृत्ति चलती है, ये संवत्सर ही काल का पूर्ण रूप, और संवत्सर 1000 संवत्सर के अलग संज्ञा भले ही दे दो अलग स्वरूप कहते हैं, संवत्सर ही इस शरीर रूपी धड़ में दृष्टि करो संवत्सर का, काल अवयवानांच संवत्सर शरीरम आगे ना हेतु दे दिया, क्यों काल के अवयवों का शरीर जो पूर्ण शरीर को आत्मा ही पहले शामंगाना, इन सगल अंगों का जो मध्य भाग है धड़ भाग है वही आत्मा करके कहा गया है, इसलिए मध्य भाग का जो सादृश्यता समझ गया है अश्वस्य मध्य सीसीटी सर्वत्र अनुसंगार्थम पुनर्वचन, पहले तो बोले हुए कल दोबारा इसलिए कहा है प्रत्येक